ट्रिपल एच की एरा में कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन एक चीज दोस्तों बहुत ज्यादा हुई है, वो है नई चैंपियनशिप का आना और पुराने डिजाइन का फिर से रिडिजाइन होना। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि किस तरीके से डब्ल्यू वालों ने ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियनशिप लाई, कैसे डब्ल्यू वालों ने स्पीड चैंपियनशिप दोस्तों लाई है जो कि ट्विटर यानी कि एक्स के ऊपर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों ने गोल्डन चैंपियनशिप को देखा जो कि कॉम्बिनेशन है डब्ल्यू चैंपियनशिप पेन रोमन रेंस की यूनिवर्सल ब्लू कलर की चैंपियनशिप का। लेकिन गाइज अब डब्ल्यू वाले एक लेवल ऊपर जाने वाले, क्योंकि गाइज क्या करके बताया जा रहा है कि डब्ल्यू वाले लाने वाले हैं उस चैंपियनशिप को वापस जिसने बहुत ज्यादा लेजेंड्स दिए, एक ऐसी चैंपियनशिप जिसे कहा जाता था यूरोपियन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, तो गाइज वो लौटने वाली है। तो यहां जीरो न्यूज के अकॉर्डिंग बताया क्या जा रहा है, इस वक्त डब्ल्यू वाले अपनी सक्सेस को ओवरसीज ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए लाइव इवेंट्स भी जो है वो बाहर देखने को मिल रहे हैं, इवन प्रीमियम लाइव इवेंट बाहर हो रहे हैं और ट्रिपल एच अब नेक्स्ट लेवल पर चीजें ले जाने वाले हैं क्योंकि वो वापस लाने वाले हैं एक ओजी चैंपियनशिप को जिसके तहत दोस्तों यूरोप के फैंस को काफी ज्यादा आकर्षित करेंगे और इस चैंपियनशिप का नाम है यूरोपियन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। ये पास में देखने को मिलती थी और गाइस काफी बड़े बड़े सुरमाओं ने इन चैंपियनशिप को होल्ड किया, इस चैंपियनशिप को होल्ड किया है और ये फिर से वापस आ सकती है जीरो न्यूज के अकॉर्डिंग इस चैंपियनशिप को द गेम ट्रिपल एच वापस लाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यू एच जी। आज की वीडियो दोस्तों काफी धांसू होने वाली है जिसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली की, हम बात करेंगे द ट्राइबल चीफ द फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू रोमन रेंस के भी। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहां दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्रामा बुल द रॉक की न्यूज के साथ। रॉक नहीं मान रहे हैं, रॉक के बारे में ऑलरेडी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं कि रॉक जो है इस वक्त अपनी मूवी के लिए शूट कर रहे हैं, लेकिन इसके तहत रॉक का पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली है। दरअसल रॉक एमएमए की ट्रेनिंग ले रहे हैं एक मूवी के लिए जिसका नाम है स्मैशिंग मशीन, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगले साल रोमन रेंस के खिलाफ उनकी फाइट हो सकती है। तो इसे दोस्तों नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए रॉक हमें हाल फिलहाल में देखने को मिले, जहां गाइस वो अपने डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ट्रंक्स में दोस्तों रेसल करने या फिर कह लीजिए फाइट करने पहुंचे ऑक्टोगन में। और गाइस कहीं ना कहीं रॉक अब पहले से ज्यादा खतरनाक होंगे, जब भी वो लौटेंगे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तबाही लेकर आने वाले हैं, हमें एमएमए रॉक देखने को मिलेगा कंपनी के अंदर। तो गाइस रॉक जो है वो लेवल अप हो चुके हैं, हम बात करेंगे आज की अपनी सेकेंड अपडेट की। सेकेंड अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है अंकल हाउडी मिस्ट्री से। तो मिस्ट्री खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अब इस मिस्ट्री में दोस्तों एक नया पड़ाव आ चुका है। तो गाइस हाल फिलहाल में हम लोगों ने स्मैकडाउन को डिस्कस किया और गाइस स्मैकडाउन को डिस्कस करने में ये चीज छूट गई, क्यूआर कोड में क्या था, क्यूआर कोड डेफिनेटली देखने को मिला है, लेकिन इस बार का क्यूआर कोड बहुत कुछ बताता है अपने आप में। यहाँ दोस्तों क्यूआर कोड के अंदर हमें सबसे पहले क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस लिख कर आता है कि उन्होंने हमें गुफा में बंद कर दिया था और हमें लोगों से छिपाया गया, लेकिन हमें सच्चा रास्ता दिखाया अंकल हाउडी ने। यहाँ दोस्तों आगे क्या चीज़ देखने को मिलती है कि हम फैमिली है, ओनली माय फैमिली जो है अब तबाही लेकर आने वाली है। और यहाँ दोस्तों कुल मिलाकर इस सारे के सारे तामझाम में ये चीज़ साफ हो गई, कुछ बड़ा होने वाला है। जो डेट निकल कर सामने आ रही है वो है गाइज किंग ऑफ द रिंग की 25 मई 2024 की, जहाँ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल सकती है वाइट सिक्स। और गाइज इसमें अब नया पड़ाव क्या है कि गाइज जो सिस्टर अबिगेल है ना वो आने वाली है, क्योंकि इस होल पूरे के पूरे वीडियो में जो कि क्यूआर कोड से निकला है हम लोगों को एक चीज साफ देखने को मिलती है, जहां इंट्रो दिखाया जाता है डब्ल्यू वालों का इस वीडियो में शुरू में, वहां दोस्तों सिस्टर अबिगेल भी देखने को मिलती है, उसका अक्स दिखाई देता है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ सिस्टर अबिगेल का अक्स नीचे वाली तस्वीर में। तो गाइज जो सिस्टर अबिगेल है वो आने वाली है और वाइट सिक्स दोस्तों कुछ ना कुछ किंग ऑफ द रिंग में बड़ा करने वाला है। बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज की जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों एलए नाइट्स। तो काफी ह्यूज अपडेट है, हम अक्सर दोस्तों डिस्कस करते हैं स्मैकडाउन के बाद क्या हुआ, लेकिन आज ये डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो भी गया है। दरअसल दोस्तों स्मैकडाउन के बाद भी बहुत कुछ हुआ है, इस बार दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जो है बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। दरअसल जो क्वालिफायर दोस्तों स्मैकडाउन में होना था ना एलए नाइट वर्सेस एस्कोबार का, वो इस लाइव इवेंट में देखने को मिल गया है। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों ये चीज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पहले बता दी थी और एलए नाइट ने एडवर्टीजमेंट भी कर दी थी, लेकिन गाइज इसका रिजल्ट क्या रहा, तो गाइज डब्ल्यू वालों ने वीडियो भी पोस्ट कर दिया है। इस पर्टिकुलर मैच के अंदर दोस्तों एलए नाइट की ही जीत हुई है, जहां एस्कोबार को दोस्तों वो अपना फिनिशर यानी कि बीएफटी लगाकर मैच को जीत जाते हैं। मैच को जीतने के बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है ट्विटर पर, लोग जो है गुस्सा होते हुए नजर आए हैं द गेम ट्रिपल एच एंड खासकर निक एल्डिस के ऊपर कि आपने एलए नाइट के मैच को
स्मैकडाउन में ना रखकर एक लाइव इवेंट में क्यों रखा है। वेल जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक चीज तो साफ पता चल चुकी है कि एलए नाइट आगे क्वालिफाई कर चुके हैं। बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की मेरी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हिपिक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन से। तो कल रैंडी ऑर्टन भी क्वालिफाई कर चुके हैं और गाइज आज रैंडी ऑर्टन उसकी सेलिब्रेशन करने अपने वाइफ के साथ पहुंचे यूएफसी के अंदर। जी हाँ, यूएफसी में देखा गया एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन को। यह पहली बार हुआ है या फिर दूसरी बार कि दोस्तों रैंडी ऑर्टन को WWE फैंस ने एक दूसरी जगह पर पाया है। दरअसल दोस्तों यूएफसी के दौरान दोस्तों कैमरा उनके ऊपर जाता है जहां रैंडी ऑर्टन को स्पेशली ट्रीट किया गया और लिख कर आता है 14 टाइम WWE चैंपियन और साथ ही साथ दोस्तों नीचे लिखा होता है मिजोरी नेटिव, यानी कि दोस्तों मिजोरी के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों रैंडी ऑर्टन यूएफसी में जाकर प्रोडक्ट को देख रहे हैं। हु नोज आगे जाकर रैंडी ऑर्टन यूएफसी ज्वाइन कर ले। वेल जोक सपाट, हम बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जुड़ी हुई दोस्तों हमारे नाया जैक्स के पूरी की पूरी लाइनेज से बाहर होने से। तो अनवाई लाइनेज के बारे में दोस्तों आप भलीभांति जानते हैं। ये अनवाई फैमिली ट्री जो है हाल फिलहाल में दोस्तों आपने देखा होगा रॉक ने दिखाया था तब जब रेसलमेनिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कोड़ी के थप्पड़ जड़े थे। इस पूरी की पूरी लाइनेज में दोस्तों हम लोगों को बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन गाइज एक नाम जो है वो बाहर कर दिया गया है एक दूसरी ब्लड लाइन मेंबर के द्वारा। तो ट्रिनिटी फाटू यानी कि नायोमी ने दोस्तों नाया जैक्स को बाहर कर दिया है। यहाँ दोस्तों नाया जैक्स के नाम के ऊपर वो कट लगाते हुए नजर आई है और गाइज उन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि वो बिलोंग नहीं करती है ब्लड लाइन में। वेल ब्लड लाइन ट्री जो है वो काफ़ी समय से चर्चा में है क्योंकि इस ट्री में जितने भी मेंबर्स हैं वो धीरे धीरे करके WWE को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नायोमी ने नाया को जिस तरीके से बाहर किया है कहीं ना कहीं वो अपनी हार्ट से काफ़ी नाखुश है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो जॉन मॉक्सली को आ चुका है गुस्सा और जॉन मॉक्सली ने कर दिया बड़ा कांड। जॉन मॉक्सली के बारे में दोस्तों अपडेट ये है कि वो नेक्स्ट AEW का पार्ट होने वाला है जहां वो एंड डेनियलसन मिलकर फ्लैचर एंड जेफ कॉब को एक टैग टीम में फेस करने वाले हैं। हमारे NJPW वर्ल्ड चैंपियन दोस्तों हाल फिलहाल में काफ़ी नाखुश नजर आए जहां दोस्तों ने अपना इंस्टाग्राम जो है वो टेम्परेरी लॉक या फिर कह लीजिए ब्लॉक्ड कर दिया है और इस वक्त दोस्तों आप अगर खोजना चाहेंगे जॉन मॉक्सली को इंस्टाग्राम के ऊपर तो आप नहीं खोज पाएंगे। रीज़न पता नहीं लग पाया, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जॉन मॉक्सली का अपना इंस्टाग्राम बंद करना सही भी है क्योंकि जॉन मॉक्सली बहुत कम यूज़ करते थे, उनकी वाइफ ज़्यादा यूज़ करती थी और ऐसे में दोस्तों जॉन मॉक्सली ने बड़ा कदम उठाया है। शायद कोई चीज़ उन्हें खट रही है दोस्तों AEW के अंदर, मे बी उनकी बुकिंग या फिर कुछ और, लेकिन कहीं ना कहीं मॉक्सली परेशान है। अब देखते हैं उनका आगे क्या कदम रहता है। आई होप सो कि WWE के अंदर वो लौटे, जल्द से जल्द लौटे ताकि दोस्तों चीज़ें पहले जैसी सही हो। बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में होने वाले मैच से। तो गाइस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का जो मेन इवेंट है वो है कोड़ी वर्सेस लोगन पॉल। हाल फिलहाल में दोस्तों एक अपडेट निकली थी जिसके तहत बताया जा रहा था कि लोगन पॉल के टाइटल रेन से WWE वाले खासे नाखुश है। हालांकि लोगन पॉल से उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो डिफेंड कर रहे हैं यहाँ दोस्तों क्या करेंगे बताया जा रहा है कि मेजर सुपरस्टार उन्हें डीथ्रोन कर सकता है। और आपने दोस्तों हाल फिलहाल में देखा भी होगा कि कोडी एंड लोगन पॉल का फेस ऑफ हुआ। इसके ऊपर दोस्तों क्या अपडेट है कि लोगन पॉल चाहते हैं कि मैच जो है ये दोनों ही टाइटल्स के लिए हो, अभी दोस्तों सिर्फ एक टाइटल के लिए है। लेकिन यहाँ दोस्तों कोडी रोड्स का एक ट्वीट आ चुका है जिसके अंदर वो लिखे हैं फॉर ऑल दी गोल्ड। यहाँ दोस्तों वो पूरा का पूरा गोल्ड घर ले जाकर जाना चाहते हैं और यहाँ दोस्तों इसी के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं ताल ठोकी है। नेक्स्ट वीक इनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा और वहाँ दोस्तों कोड़ी अपनी बात साफ स्पष्ट रखेंगे। यहाँ इंटरेस्टिंग फंडा गया, इंटरेस्टिंग फंडा बस इतना सा है कि गाइज ये मैच बन भी जाएगा US चैंपियनशिप के लिए एंड कोड़ी डबल चैंपियन हो भी जाएंगे, लेकिन एक बड़ी चीज़ हो सकती है जो कि आज की हमारी मेन खबर भी है। तो गाइज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वह जुड़ी है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की वापसी से एंड कोड़ी रोड्स पर हमले से। तो कोड़ी रोड्स दोस्तों ये मैच जीत सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन गाइस ये मैच कोड़ी को नहीं जीतना चाहिए एंड ऐसे में रोमन को वापस लाया जा सकता है। यहाँ दोस्तों रेसल ट्रैकर का एक ट्वीट आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर कोड़ी जीत जाते हैं तो हो सकता है कि WWE फैंस उनके ऊपर टर्न कर जाए
क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ओवर पुश लगेगी। इस समय भी फैंस कह रहे हैं कि ट्रिपर है, छुए, चाहे कोई भी अथॉरिटी फिगर हो, निकेल्डी, सब कोड़ी से हाथ बात मिला रहे हैं, उन्हें पुश दे रहे हैं, दबा कर कंधे पर उठा रहे हैं। तो ऐसे में कोड़ी अगर 200 जीत जाते हैं तो फिर तो सिद्ध हो जाएगा कि वो ओवर पुश्ड ही है। तो यहां 200 में क्या चीज देखने को मिल सकती है कि गाइस रोमन रेंस वापस आ जाए उस मोमेंट पर जहां कोड़ी चैंपियनशिप जीतने वाला हो, पीछे से आकर लगे स्पीयर हार्ड ऑफ नोवेयर और गाइस वहां मैच डीक्यू में खत्म हो जाए। इस चीज के होने के चांसेस इसलिए भी है क्योंकि अगर 200 इन दोनों में से कोई भी जीतता है तब भी 200 एक स्लॉट खाली हो जाएगा, या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप लोगन पॉल ले जाएंगे, या फिर लोगन पॉल की चैंपियनशिप कोड़ी के पास आ जाएगी। तो यहां 200 मुझे नहीं लग रहा है कि इसका फिनिश दोस्तों एक क्लीन फिनिश होगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में 200 डब्ल्यू वालों को नुकसान है। रोमन रेंस के आने के चांसेस यहां बन चुके हैं। अब देखते आगे होता गया। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद आया वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शुभ।